लोग जो हैं वो निहत्ते नहीं हैं, वो पुरअमन नहीं हैं, वो आग भी लगा रहे हैं, वो कहीं फायरिंग भी कर रहे हैं और लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं। तो मुतशद्दिदाना रवैया जो है वो वहाँ पे प्रिवेल कर रहा है इस वक्त। इस वक्त होना तो ये चाहिए कि इन लोगों के साथ कोई मुज़ाकरात ना किए जाए, और अगर ये यहाँ बैठते हैं तो बैठने दिया जाए। तो हमारी इतला ये है कि इमरान ख़ान साहब भी इसको फोर्सी कर रहे हैं, और वो भी इतना ज़्यादा क्योस नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो हो गया है। कुछ लोग एमरजेंसी प्लस की बात भी कर रहे हैं, यानी कि कोई माशाल्लाह टाइप कोई ऐसी कोई चीज़ जो है वो उससे कॉन्स्पिरेसी निकाल रहे हैं कि शायद ये उस तरफ जाने के लिए ये सिचुएशन जो है वो कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्रिएट की जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल अच्छी तो नहीं है, परेशान कुन है। वफाकी दारुल हुकूमत की सड़कों पर पेशावर से लाए गए लोग मौजूद हैं और बड़ी तादाद में हैं, और हालात ये हैं कि उस इलाके में जहाँ ये मौजूद हैं वहाँ दो टीवी चैनल्स के दफातर में ये लोग दाखिल हुए हैं और उन्होंने लोगों को मारा पीटा है और कुछ अमले को यरगमाल भी बनाया है। और डी चौक से बाहर ही हैं अभी, मतलब डी चौक के बिल्कुल सामने मौजूद हैं लेकिन डी चौक में दाखिल नहीं हुए। तो ये कोई बड़ी तसल्ली बख्श बात भी नहीं है कि डी चौक में दाखिल नहीं हुए, तो इतनी तादाद में लोगों का वहाँ मौजूद होना और वहाँ तक पहुँच जाना वाकईतन हर पाकिस्तानी के लिए तश्वीशनाक है। और फिर ये कि जो हमारी इतलात जिस तरह से आ रही हैं और जो हमने देखा है 2 दिन से बल्कि 3 दिन से, कि लोग जो हैं वो निहत्ते नहीं हैं, वो पुरअमन नहीं हैं, वो आग भी लगा रहे हैं, वो कहीं फायरिंग भी कर रहे हैं और लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं। तो मुतशद्दिदाना रवैया जो है वो वहाँ पे प्रिवेल कर रहा है इस वक्त। और दूसरी तरफ सामने से इस्लामाबाद के अंदर हमने, यानी कि जब से ये इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए हैं, ऐसा कोई सीन रिपोर्ट नहीं हुआ कि पुलिस ने उन पर कोई तशद्दुद किया हो या रेंजर्स ने कोई बड़ी कार्रवाई की हो। अब होना क्या चाहिए, या मतलब इन लोगों के साथ किस तरह से अब जो होगा वो तो होगा, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे साथ साथ कि अब क्या हो रहा है। लेकिन ये कि आम पाकिस्तानी जो कि पुरअमन पाकिस्तानी है, जो अपने मुल्क के अंदर अमन और सुकून चाहता है, तरक्की चाहता है, इंतशार नहीं चाहता, तो उसके लिए या वो किस तरह से सोच रहा है, मैं उसकी बात करता हूँ। इस वक्त होना तो ये चाहिए कि इन लोगों के साथ कोई मुज़ाकरात ना किए जाए, और अगर ये यहाँ बैठते हैं तो बैठने दिया जाए। और कितनी देर बैठते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब इसके अलावा इनके ऊपर तशद्दुद करके मज़ीद इनको उनकी मर्ज़ी के नतीजे देना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंदी होगी। अगर वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं और नहीं रोका जा सका, तो अब उन पर कोई भी तशद्दुदाना कार्रवाई या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन जो है वो उन्हें वो मतलूबा नतायज दे देगा जो वो कुछ लोग वहाँ चाहते हैं। सारे लोग ये नहीं चाहते होंगे, सारे लोग किसी नारे में किसी दिखावे में आए होंगे, ज़ाहिर है आम आदमी होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनसे अपने मतलब मतालब और डिज़ाइन हासिल करना चाहते हैं, और उनमें ज़्यादातर लोग तो मुल्क से बाहर हैं। तो हमारी इतला ये है कि इमरान ख़ान साहब भी इसको फोर्सी कर रहे हैं, और वो भी इतना ज़्यादा क्योस नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो हो गया है। तो अब जब हो गया है तो उनको वहाँ पे बैठने देना चाहिए, मतलब बैठ तो वो गए हैं लेकिन कोई मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, किसी किस्म के मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। उनको कॉर्डन ऑफ करें, उनको उधर रखें, रहने दें, कोई किसी ऐसी कार्रवाई से ज़रूर रोका जाए कि जिससे नुकसान हो और जिससे कोई किसी का जानी या माली या मुल्क का स्टेट का नुकसान हो, लेकिन उन्हें वहाँ पे कर्टेन कर देना चाहिए। उनकी जो वहाँ पे रोकना है ये इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, और मुज़ाकरात की तरफ तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
अब मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बाय डिज़ाइन किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ की बात कर रहा हूँ कि उनको आने दिया गया, शायद उससे कुछ और निकालना चाहते हैं। देखें, एक तो सूरत हाल वो थी, तीन स्टेप्स जो वज़ीर दाखला साहब ने बताए थे, एक तो ये हो सकता था कि कर्फ्यू लगा दिया जाता और ये कि उन पर तशद्दुद किया जाता, कोई गोली छोली चला दी जाती जवाब में, और या फिर ये कि एमरजेंसी लग जाए। लेकिन कुछ लोग एमरजेंसी प्लस की बात भी कर रहे हैं, यानी कि कोई मार्शल ला टाइप कोई ऐसी कोई चीज़ जो है वो उससे कॉन्स्पिरेसी निकाल रहे हैं कि शायद ये उस तरफ जाने के लिए ये सिचुएशन जो है वो कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्रिएट की जा रही है। हालांकि अगर आप देखें तो जिस तरह से ये लोग आए हैं, और उसमें एक सूबे का वज़ीर आला है और इमरान ख़ान की मिसेज हैं, तो उस पर अगर आप कितना बड़ा क्रैकडाउन करेंगे, तो कितना जितना बड़ा क्रैकडाउन करेंगे उतना बड़ा नुकसान होगा। तो वो मकासद तो हल हो गए फिर, जिनके जो जिसके तहत कोई आना चाह रहा था, वो मैं जो कह रहा हूँ कि कुछ लोग, और जिसकी तरफ वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी इशारा किया कि वो खुफिया हाथ, तो वो खुफिया ज़ाहिर है कि जो बुरके के अंदर, अब तो वैसे बुरके के बाहर भी आ गए, तो वो जो अगर उनके ये डिज़ाइन है तो वो हासिल करना चाहते हैं, तो उनको ये डिज़ाइन उनका पूरा नहीं होने देना चाहिए। और इमरान ख़ान की जहाँ तक बात है, तो फ़िलहाल हमें कोई ऐसी रियायत होती हुई उनके साथ नज़र नहीं आ रही। अभी अभी खबर जो आई है वो ये है कि उनके एक जिस्मानी रिमांड में 8 दिन की तोसी हो गई है। तो ये इस तरह से बहुत से केसेस हैं, और ये वो चलते रहेंगे और वो अंदर रहेंगे। अब ये लोग कहते हैं कि आउट ऑफ लॉ, आउट ऑफ कोर्ट उनको बाहर बुला के उनके हवाले कर दिया जाए, कहा जाए कि ये आपके लीडर हैं जी, ये लो इनको ले जाएं, उठा के इनको जा के पूजें। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा अगर नहीं हो सकता तो फिर उन लोगों से मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। तो किसी किस्म के मुज़ाकरात की जो कोशिश होगी या इनको, तो वो उनके और मज़ीद हौसले बढ़ाने की और ख़ुद झुकने की बात होगी। अगर रियासत ने रिस्ट्रेंट किया है और रिस्ट्रेंट से काम लिया है, तो बिल्कुल ये अच्छा किया है, ताकि लोगों का नुकसान ना हो, जानी और माली नुकसान ना हो। लेकिन इससे आगे उनके साथ बातचीत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तो फ़िलहाल जो थी वो बात मैंने आपको बता दी।